आज यहाँ भाजपा कार्यालय पर ये एक कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या आयोजन रहा ये? पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 693 जिलों में कार्यालय अपना बनाने का निर्णय किया था, जिसमें 635 स्थानों पर कार्यालय हमारे कुछ अर्धनिर्मित हैं और कुछ चालू होने वाले हैं। आज इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह जी उत्तर प्रदेश के 51 कार्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं बुलंदशहर से। वह उद्घाटन के क्रम में इस कार्यालय के उद्घाटन हेतु मैं प्रदेश की तरफ से भेजा गया हूं और कार्यालय के उद्घाटन में मैं यहां शरीक होऊंगा, भदौंगा। कुल मिलाकर किसी भी अनुशासित संगठन के लिए कार्यालय का होना अपने आप में एक बड़ी बात है, और कार्यालय इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र की जनता के समस्याओं का समाधान किया जा सके, पार्टी के कार्यक्रमों को निश्चित रूप से उसके क्रियान्वयन के लिए नीति बन सके और नीति को जनता के हित में धरती पर उतारा जा सके। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उत्तर प्रदेश के 51 कार्यालयों को उद्घाटित करने का काम किया है। दिनेश जी, आप भाजपा के जिला महामंत्री हैं, आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? बड़े हर्ष की बात है, आज पूरे प्रदेश में 51 जिला कार्यालयों का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक साथ बुंदेलखंड से उद्घाटन किया है। इसी के साथ अपने भदोही जिले का कार्यालय का ये उद्घाटन समारोह है, जिसमें जिले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ भाजपा नेता और हमारे सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित।